हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो लेक्चर ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एज नेम सजेस्ट इन केस ऑफ स्टैटिक रैम हम वो कंपोनेंट्स यूज करते हैं सर्किट में इन विच डेटा स्टोर टिल द पावर इज अप्लाइड जब तक पावर अप्लाइड होगी तब तक उसमें डेटा स्टोर होगा वायर इन केस ऑफ डायनेमिक रैम हमें उन्हें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है डेटा को ठीक है नाउ फर्स्ट डिफरेंस कि बेसिक एलिमेंट फॉर स्टैटिक रैम इज़ फ्लिप फ्लॉप वायर इन केस ऑफ डायनेमिक रैम जो बेसिक एलिमेंट होता है दैट इज कैपेसिटर ठीक है नाओ अब जो हमारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं दैट इज़ वन विट स्टोरेज डिवाइस और इनकेस ऑफ डी रैम कैपेसिटर जो होते हैं वो बिट को स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ चार्जेस ठीक है ना अब जो फ्लॉप होते हैं वो या तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स यूज करेंगे या मॉसफेट ट्रांजिस्टर ठीक है मींस की ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा बिट बाय बिट ठीक है वाइल इन केस ऑफ डायनेमिक रैम सेपरेटेसिटर टू स्टोर ईच बिट ऑफ डेटा की हर बिट के लिए एक सेपरेट कैपेसिटर यूज होगा और इन केस ऑफ स्टेटिक रैम यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंशन है कि सिक्स टी मीन्स सिक्स ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं मॉस के फॉर वन सेल वन सेल ऑफ स्टेटिक रैम वाइल इन केस ऑफ डाइनेमिक रैम वन कैपेसिटर अलॉन्ग विथ वन मॉसफिट ट्रांजिस्टर यूज होता है एज अ सेल ठीक है नाउ अब यहां पे जो ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं अगर हम बाइपोलर की बात करें तो हम यूज करते हैं इन डिटेल कॉन्फिग्रेशन मींस ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक और आइदर हम यूज करते हैं मॉस्फेट मीनस मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर केस एस रैम के केस में हम ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं दैट्स वाई हमें रिफ्रेशिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन डेटा हमें कोई भी रिफ्रेश नहीं करना पड़ता वाइल इन केस ऑफ डी रैम कैपेसिटर यूज होते हैं तो हमें यहाँ पर रिफ्रेशमेंट के लिए रिफ्रेशिंग सर्किट यूज करना पड़ता है टू मेंटेन द चार्ज इन द कैपेसिटर Now, इसमें जो डेटा जो एस रैम है यहाँ जो डेटा स्टोर होता है वो इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज होता है वाइल इन केस ऑफ डी रैम इलेक्ट्रिकल चार्जेस बिकॉज कैपेसिटर है तो कैपेसिटर कैसे डेटा स्टोर करेगा इन फॉर्म ऑफ चार्जेस स्टैटिक रैम जो होता है इट्स एक्सेस टाइम इज लेस अगर इसका एक्सेस टाइम लेस है तो ऑब्वियसली एस रैम जो होगा वो फास्टर होगा इन कंपेरिजन टू डी रैम टाइप ऑफ डी रैम मोर होता है इन कंपेरिजन टू एस रैम दैट्स वाई डी रैम इज स्लोअर देन द एस नाव बात कॉस्ट की तो कॉस्ट के केस में एस रैम जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है इन कम्पेरिजन टू डी रैम बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हमारे ज़्यादा यूज होते हैं दैट्स वाई इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन ट्रांजिस्टर एंड वन कैपेसिटर यूज होता है वन ट्रांजिस्टर मीन्स वन मोस्ट ट्रांजिस्टर एंड वन कैपेसिटर यूज़ होता है पर सेल दैट्स वाई इसकी कॉस्ट जो होती है कम होती है इन टू एस रैम यहाँ पर जो होते हैं पावर कंजप्शन लेस होता है बिकॉज हमें यहाँ पर रिफ्रेश नहीं करना पड़ रहा है बट इन केस ऑफ डायनेमिक रैम हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है पीरियडिक टाइम पर कैपेसिटर को दैट्स वाई पावर कंजप्शन मोर होता है इन कंपेरिजन टू एस रैम इन डी रैम ठीक है एस रैम के कंपैरिजन में यहां पर पावर कंजप्शन ज्यादा होगा अब कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारे जो एस रैम होते हैं वो मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं बिकॉज यहां पर सिक्स ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं वन बिट को स्टोर करने के लिए और डी रैम सिंपलर होता है इन कंपैरिजन टू स्टैटिक रैम बिकॉज ओनली वन ट्रांजिस्टर एंड वन कैपेसिटर इज यूज्ड पर सेल एस रैम जो कंटेन करते हैं वो लेस मेमोरी सेल करते हैं बिकॉज अगर आपके पास सेम ही एरिया दे रखा है सपोज तो यहाँ पर सिक्स ट्रांजिस्टर का यूज करके एक सेल स्टोर होगा तो उतनी ही एरिया में डी रैम के नंबर ऑफ़ सेल्स क्या होंगे ज़्यादा होंगे बिकॉज यहाँ सिक्स ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं यहाँ वन कैपेसिटर और वन ट्रांजिस्टर दैट्स वाई ये हमारे क्या होते हैं लेस डेंस होते हैं और ये हमारे मोर डेंस होते हैं बिकॉज़ यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे इन पर्टिकुलर एरिया और यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे ज़्यादा होंगे बिकॉज वन सेल जो होता है वो बहुत कम एरिया को कवर करता है दैट्स वाई दिस इज़ लो डेंसिटी और इसके पास हाई डेंसिटी हो ड्यू टू दीज रीजन्स मीन्स की एस रैम फास्टर होता है और इसमें रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है डेटा लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर रहता है दैट्स वाई जो एस रैम यूज होते हैं वो कैशे मेमोरी में यूज होते हैं और जो हमारे डायनेमिक रैम होते हैं वो हमारे मेन मेमोरी में यूज़ होते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेज बिटवीन स्टेटिक रैम एंड डायनेमिक रैम थैंक यू सो मच स्टिल यू हैव एनी डाउट दैन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू